हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल नहीं किया है या आपने अभी तक अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट नहीं किया है तो मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमें रेडमी नोट 9 में हमें MIUI का 12.0.7.0 का जो इंडिया स्टेबल अपडेट हमें देखने को मिला था, उसमें से हमें दो फीचर्स हटा दिए गए हैं। इस पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप इसे भी जा करके देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये शाओमी का बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप ये दो फीचर्स अपने मोबाइल में वापस से अनेबल कर सकते हैं, वो भी विदाउट रूट। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक रोम को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं उस रोम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, वो रेडमी नोट 9 में आपको पता है कि MIUI का 12.0.7.0 का हमें इंडिया स्टेबल अपडेट हमें MIUI 12.0.6.0 से देखने को मिला था। और फ्रेंड्स, MIUI के 12.0.6.0 में हमें कंट्रोल सेंटर और एंड्रॉयड 10 का जेस्चर बार हमारे पास था, बट MIUI 12.0.7.0 में से वो दोनों इसमें से हटा दिए गए थे, जो कि एक बहुत बुरी बात थी। तो फ्रेंड्स, हम इसे वापस ला सकते हैं, आप इस वाले अपडेट को अपने मोबाइल में वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसकी रिकवरी रोम को डाउनलोड करना है, ना कि ओटी रोम को, क्योंकि ओ टी रोम से आपके में एरर आएगा, क्योंकि ओ टी रोम वो 12.0.5.0 से है और आपके में 12.0.7.0 है। तो आपको वापस से 12.0.0.6.0 पे जाना है, तो आपको सिंपली इस वाली रोम को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप बस ये याद रखना, जब भी आप इस वाली रोम को आप 12.0.7.0 से फ्लैश करेंगे तो आपके मोबाइल का जो सारा डेटा है वो सब आपका उड़ जाएगा, मतलब कि आपको सारा फोन रीसेट करना पड़ेगा। तो उस वाली रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल का अपडेटर सेक्शन खोलना है और MIUI के लोगो पे 12 टाइम्स टैप करना है, फिर आपके एडिशनल फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ पे टॉप राइट बॉटम में आपको 3 डॉट्स पे टैप करना है, आपको चूज अपडेट पैकेज में जाना है और आपने वो जो डाउनलोड रोम आपने वो जहाँ पर भी आपने वो सेव की हुई है आपको सेलेक्ट करके उस डाउनलोड रोम को ओके पे आपको टैप कर देना है। फिर आप रेडमी नोट 9 में MIUI के 12.0.6.0 पे बूट हो जाओगे और आपके मोबाइल में वापस से एंड्रॉयड 10 का जेस्चर बार का ऑप्शन वापस से अनेबल हो जाएगा और आपके मोबाइल में जो कंट्रोल सेंटर जो हटा है वो भी वापस से आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो थी आज की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना।